सिवनी जिले के घनसोर मुख्यालय में आशा ऊषा यूनियन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घनसोर आशा कार्यकर्ताओं द्वारा वेतन वृद्धि और अनियमितीकरण को लेकर आंदोलन किया गया। कहने को तो समाज बहुत कुछ कहता है, पर हकीकत जमीनी कुछ और ही है। नारी शक्ति का पुंज है, लेकिन मध्य प्रदेश में नारियों का हाल बेहाल है। गरीबी में उनकी कमर तोड़ दी है। रोजमर्रा के जीवन यापन को लेकर नारी का जीवन संघर्षमय रहता है, उस पर भी जिम्मेदारियों का बोझ जीना मुहाल करता है। ऐसे में अगर रोजगार तो हो, पर उससे अगर रोजी रोटी भी ना जुटा पाते हैं तो ऐसे रोजगार का क्या। शासन में बैठे आला कमान अधिकारी अपने ऑफिस में एसी में मस्त रहते हैं। गरीब की झोपड़ी में भी देख लिया करो साहब, यह तो आशा कार्यकर्ता के आंदोलन को देख कर ही पता चल रहा है। आला अधिकारियों से आशा कार्यकर्ताओं ने गुजारिश की है कि जिस प्रकार अन्य राज्यों में आशा कार्यकर्ताओं को वेतन वृद्धि कर उनके जीवन को सुखमय किया जा रहा है, उसी तरह मध्य प्रदेश में सिवनी जिले के घनसोर में आशा कार्यकर्ताओं का ध्यान रखा जाए और उन्हें उचित वेतन मान प्रदान किया जाए, ताकि और रोजमर्रा की जिंदगी भली भांति जी सके और अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। घनसोर से दिलीप यादव की रिपोर्ट। हम लोग को जब भी काम आता है, रात पे भी हम अपने घर परिवार को छोड़ के चले जाते हैं, बिगर वेतन के काम कर रहे हैं, ताकि हम 2006-07 से काम कर रहे हैं। हमें एक भी वेतन प्राप्त नहीं है, अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाते इतना। तो शासन से क्या उम्मीद है आपको, क्या चाहते हैं? शासन से हमको ये उम्मीद है, कम से कम हमें 10-12 हज़ार तक पेमेंट महीना मिल जाए, वेतन दिया जाए, तो हम उसमें काम करने की सक्षम परिवार अपना परिवार पाल सकते हैं, उसमें अपना परिवार का अर्पण कर सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कम से नहीं तो हमारी आशाओं को और हम लोगों को नियमितकरण किया जाए और आशाओं को कम से नहीं तो 12,000 रुपये और आशा सहयोगियों को 15,000 रुपये वेतन दिया जाए। हूँ आशा सहयोगी और हम लोगों को मतलब फिक्स 2006 से काम कर रहे हैं आशा सहयोगी, और जिसमें मान लो हमको काम के आधारित पर पैसे दिए जाते हैं, जिससे हमारा भरण पोषण वो बच्चे का नहीं हो पाता है। तो हमारी ये मांगे हैं कि कम से कम नहीं तो हमको जीने लायक वेतन दे, आशाओं को 10-12 हज़ार रुपये दे, आशा सहयोगी को 15,000 रुपये वेतन दे, जिससे हमारा घर चले, परपंच चले, इसकी मांगे। और हमको नियमितीकरण किया जाए, इतने वर्षों से हम काम कर रहे हैं और हमसे पूरा काम पूरा सदियों को लिया जाता है कि और 24 घंटे मतलब हमको जब फोन आता है तभी काम कर किया जाता है हमसे। तो और हर बार सर्वे 2-4 दिन में सर्वे ही मतलब हर जितने का मतलब वो मिलता नहीं है वेतन हमको, उतने में हम मतलब हर बार सर्वे मतलब या मीटिंग में आना है 2-4 दिन में मीटिंग में आना है, तो उसमें लड़कियों के पास पैसे भी तो हुए हर बार आने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।